यूक्रेन ने रूस के खिलाफ लंबी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइलों का उपयोग करना शुरू कर दिया है, जो गुप्त रूप से अमेरिका द्वारा प्रदान की गई थी, अमेरिकी अधिकारियों ने पुष्टि की है। हथियार पिछले अमेरिकी सहायता पैकेज के हिस्से के रूप में भेजे गए थे और इस महीने आ गए। अधिकारियों ने कहा कि यूक्रेन की परिचालन सुरक्षा को बनाए रखने के लिए उन्हें सार्वजनिक रूप से घोषित नहीं किया गया था। कब्जे वाले क्रीमिया में रूसी ठिकानों पर हमला करने के लिए उनका इस्तेमाल पहले ही कम से कम एक बार किया जा चुका है। आगे की अमेरिकी सहायता अब कीव को जा रही है। बुधवार को राष्ट्रपति जो बिडेन द्वारा यूक्रेन के लिए $61 बिलियन 49 पाउंड बिलियन के आर्थिक और सैन्य सहायता के एक नए पैकेज पर हस्ताक्षर किए जाने के बाद अधिक अमेरिकी हथियार जल्द ही भेजे जाने की उम्मीद है। राज्य विभाग के प्रवक्ता ने बुधवार को पुष्टि की कि जो मिसाइलें पहले ही चुपचाप प्रदान की जा चुकी हैं, वे आर्मी टैक्टिकल मिसाइल सिस्टम ATACMS का लंबी दूरी का संस्करण है। अमेरिका ने पहले यूक्रेन को ATACMS के मध्य श्रेणी संस्करण की आपूर्ति की थी, लेकिन इससे अधिक शक्तिशाली कुछ भी भेजने का विरोध किया था, आंशिक रूप से अमेरिकी सैन्य तत्परता से समझौता करने की चिंताओं के कारण। NBC, जिसने सबसे पहले खबर दी थी, के अनुसार अधिकारी इस बात से भी चिंतित थे कि यूक्रेनियन रूसी क्षेत्र के अंदर हमला करने के लिए हथियारों का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे संघर्ष बढ़ सकता है। यूक्रेनियन लंबे समय से ऐसे सिस्टम की मांग कर रहे हैं जो 300 किलोमीटर 186 मील तक मिसाइलें दाग सके। ऐसा कहा जाता है कि श्री बिडेन ने फरवरी में गुप्त रूप से हरी झंडी दे दी थी। बुधवार को पत्रकारों को जानकारी देते हुए विदेश विभाग के प्रवक्ता ने पुष्टि की कि लंबी दूरी की ATACMS का प्रावधान राष्ट्रपति के सीधे निर्देश पर किया गया था। वेदांत पटेल ने बताया, अमेरिका ने यूक्रेन के लिए उनके अनुरोध पर परिचालन सुरक्षा बनाए रखने के लिए शुरुआत में इसकी घोषणा नहीं की। यह स्पष्ट नहीं है कि कितने हथियार पहले ही भेजे जा चुके हैं, लेकिन अमेरिकी राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जेक सुलिवन ने कहा कि वाशिंगटन ने और हथियार भेजने की योजना बनाई है। उन्होंने कहा, वे फर्क लाएंगे, लेकिन जैसा कि मैंने इस मंच पर पहले भी कहा है, कोई उम्मीद की किरण नहीं है। लंबी दूरी की ATACMS यूक्रेन को रूसी कब्जे वाले क्षेत्रों में गहराई तक हमला करने की क्षमता देती है, विशेष रूप से आधार भंडारण सुविधाएं और लॉजिस्टिक्स केंद्र। अमेरिकी मीडिया ने बताया कि पिछले हफ्ते पहली बार उनका इस्तेमाल कब्जे वाले क्रीमिया में एक रूसी हवाई क्षेत्र पर हमला करने के लिए किया गया था, और फिर मंगलवार की रात को कब्जे वाले बंदरगाह शहर बर्डियांस्क में रूसी सैनिकों पर हमले में किया गया था। रूस ने बुधवार को कहा कि नए हथियार युद्ध के परिणाम को बुनियादी तौर पर नहीं बदलेंगे। हाल के महीनों में कीव ने पश्चिमी सहायता के लिए अपनी मांगें बढ़ा दी हैं, क्योंकि उसके गोला बारूद के भंडार खत्म हो गए हैं और रूस लगातार लाभ कमा रहा है। बुधवार को श्री बिडेन द्वारा जिस नए सहायता पैकेज पर मुहर लगाई गई, वह कांग्रेस में कुछ लोगों के सहायता के विरोध के बीच महीनों के गतिरोध के बाद आया है। अरबों डॉलर का हथियार पैकेज $61 अरब की ताजा सहायता में से पहला होने की उम्मीद है, जिसका पूरा हिस्सा हथियारों पर खर्च नहीं किया जाएगा। रूस के पूर्ण पैमाने पर आक्रमण की शुरुआत के बाद से यूक्रेन को पहले भेजी गई अमेरिकी सुरक्षा सहायता की कुल राशि $44 बिलियन थी। अमेरिकी राष्ट्रपति ने कानून में नई सहायता पर हस्ताक्षर करने के बाद कहा, यह अमेरिका को सुरक्षित बनाने जा रहा है, यह दुनिया को सुरक्षित बनाने जा रहा है। पैकेज पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोडिमिर ज़ेलेंस्की ने कहा, अब हम बहस और संदेह में बिताए गए आधे साल की भरपाई के लिए सब कुछ करेंगे। इस दौरान रूसी कब्जा करने वाला क्या करने में सक्षम था, पुतिन अब क्या योजना बना रहा है, हमें उसके खिलाफ होना चाहिए। श्री ज़ेलेंस्की ने हाल ही में चेतावनी दी थी कि सर्दियों के दौरान यूक्रेन के अवदीवका शहर को खोने के बाद आने वाले हफ्तों में रूसी हमले की आशंका है। यूक्रेनी सेना को हाल के महीनों में गोला बारूद और वायु रक्षा प्रणालियों की कमी का सामना करना पड़ा है, और अधिकारियों ने जीवन और क्षेत्र के नुकसान के लिए अमेरिका और अन्य पश्चिमी सहयोगियों से सैन्य सहायता में देरी को जिम्मेदार ठहराया है। श्री सुलिवन ने बुधवार को कहा कि यह
निश्चित रूप से संभव है कि रूस आने वाले हफ्तों में अतिरिक्त सामरिक लाभ हासिल कर सके। 24 फरवरी 2022 को रूस द्वारा यूक्रेन पर आक्रमण करने के बाद से दोनों तरफ से हजारों लोग मारे गए हैं या घायल हुए हैं और लाखों लोग अपने घर छोड़कर भाग गए हैं। रूस के दावा करने के बाद कि विस्थापित बच्चों का आदान प्रदान हो रहा है, यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोडिमिर ज़ेलेंस्की ने कहा कि यूक्रेनी बच्चों का एक समूह चिकित्सा, मानसिक और सामाजिक सुधार के लिए कतर में था। ज़ेलेंस्की ने रूस के उस दावे को संबोधित किए बिना कहा, उन सभी को पहले जबरन रूस भेज दिया गया था, लेकिन हमारे मित्र कतर के मध्यस्थता प्रयासों के लिए धन्यवाद, उन्हें रिहा कर दिया गया है। रूस के बच्चों के अधिकार आयुक्त मारिया लावोवा बेलोवा, जो अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक अदालत द्वारा युद्ध अपराधों के लिए वांछित है, ने दावा किया कि रूस 29 बच्चों को यूक्रेन को सौंप रहा था और 19 बच्चे रूस जा रहे थे। यूक्रेनी ड्रोन ने पश्चिमी रूस में तेल सुविधाओं पर हमला किया, कीव में रक्षा सूत्रों ने बुधवार को इसकी पुष्टि की। स्मोलेंस्क और लिपेत्स्क के पश्चिमी रूसी क्षेत्रों के अधिकारियों ने सबसे पहले हमलों की घोषणा की और ऊर्जा स्थलों पर आग लगाने के लिए यूक्रेनी मानव रहित हवाई वाहनों को दोषी ठहराया।